पूरी डिटेल है, ओरिजिनल पेपर तेरे को दे दिया, वाकायदा लिखा हुआ है। सरकारी नौकर क्या इस कार है भाई? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो जी हम पहुंच गए हैं भाई साला सर, और कल रुक गए थे भाई हम घर पे, हम गाड़ी भर के निकले थे भाई वहाँ से 7 तारीख को नाइट में निकले थे, कल 8 तारीख को घर पे रुक गए थे भाई, आज घर से चले थे सुबह सुबह और अभी पहुँचे हैं भाई साला सर। इंडिया में एक बात तो है भाई, ऐसे ट्रकों के स्टॉपेज हर जगह मिल जाएंगे आपको, एक बार नज़र मारो भाई, यहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगी भाई, और राइट साइड में भी देखो, मतलब ऐसे ट्रक स्टॉपेज है ना भाई इंडिया में आपको हर 50 किलोमीटर पे 40 किलोमीटर पे मिलेगा, तो इससे क्या है बहुत ही आसानी हो जाती है ड्राइवर को, अगर रेस्ट करना हो ना भाई तो आप यहाँ पे ट्रक खड़ा करके रेस्ट कर सकते हो। क्या सीन बन गया भाई, हमारे इंडिया में ये सबसे बड़ी कमी है भाई, देखो मतलब इतना वजन डाल रखा है भाई इसके अंदर, इतना वजन डाल रखा है इसको चलने में मुश्किल हो रही है ट्रक को, देखो भाई ये देखो जो आपको सामने बोर्ड नजर आ रहा है ना, किशनगढ़ 149, जयपुर 193, नागौर जोधपुर 231 किलोमीटर। वैसे यहाँ पे ट्रकों के काम वगैरह होते हैं भाई, मार्केट है छोटी सी ट्रकों की, अगर इस ब्रिज के नीचे से जाएंगे ना भाई तो ब्रिज के नीचे जाके वहाँ से लेफ्ट मारेंगे सीधा किशनगढ़ वाला रोड आ जाएगा भाई, जो मेगा हाईवे है ना हनुमानगढ़ से किशनगढ़ गंगानगर वाला, वो हाईवे है भाई इस ब्रिज के नीचे से, और ऊपर से जो ये रोड जिस रोड पर हम चल रहे हैं ये जाएगा भाई नागौर, नागौर से आगे जैसे ही हम जाते जाएंगे भाई आपको बताते जाएंगे, नीचे अगर हाईवे नज़र आ रहा हो आपको तो देखो भाई किशनगढ़ वाला हाईवे है, यहाँ पे भी भाई ट्रक स्टॉपेज बने हुए हैं, आप आराम से खड़ा करके यहाँ पे ट्रक रेस्ट कर सकते हो, लेकिन भाई ऐसी जगह पे रिस्क वाली बात होती है, क्योंकि अपने इंडिया में आपको पता ही है भाई ट्रकों के डीजल चोरी हो जाते हैं, बैटरियाँ चोरी हो जाती है, उस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई। सफ़र बचा हुआ है भाई अपना यहाँ से 750 किलोमीटर, और कल अपने को गाड़ी खाली करनी है भाई शाम को किसी हालत में भी, आज नाइट में हमें अहमदाबाद पहुँचना है भाई, और अभी टाइम हुआ है 10:48 हुई है भाई, तो हम पहुँच जाएंगे वैसे आराम से भाई सुबह 3-4 बजे तक अहमदाबाद आराम से पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की भी, और अभी एक बार भाई खाना खा लेते हैं, भूख लगी हुई है ज़बरदस्त, वैसे हम खाना घर से लेके आए हैं भाई, क्योंकि नाइट में घर से निकले थे तो हम खाना खा के निकले नहीं थे, खाना पैक करवा के लेके आए थे भाई, और नाइट में खाना खा लिया था और अभी भी थोड़ा खाना बचा हुआ है वो खाते हैं, अगर पेट भर गया तो ठीक है भाई, और अगर रोटी कम रहेगी तो हम होटल वाले से पकड़ लेंगे भाई 2-4 रोटियाँ, तो अपना काम है चलता हो जाएगा भाई आज का। यहाँ पे भाई अमेरिका कनाडा की तरह वो नहीं बने हुए हैं, टीम होटल नहीं बने हुए हैं, यहाँ पे ऐसे होटल बने हुए हैं भाई, और गाड़ियों की पार्किंग देखो आप भाई, 7 बजे के बाद आपको यहाँ पे गाड़ी लगाने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि होटल अच्छा है खाना अच्छा खिलाता है, तो इसलिए क्या है गाड़ियाँ ज़्यादा रुकती है इस पर, गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई क्योंकि धूप देखो भाई आप एक बार, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है भाई, और आपको पता ही है इंडिया में भाई गाड़ियों में एसी का तो कोई नाम निशानी नहीं है भाई, और चाय तो पियेंगे नहीं भाई क्यों, गर्मी इतनी ज़्यादा है।
तो देखते हैं कुछ रेडबुल वगैरह मिल जाए तो भाई पी लेंगे। यहाँ पे भाई जिस कंपनी का ट्रक है ना अपना, वो कंपनी है भाई यहाँ पे, और अपने को लेना है डेफ, तो डेफ डालना ज़रूरी है गाड़ी में भाई, 30% बचा है। तो यहाँ पे कंपनी थी भाई, देखते हैं कहाँ पे है, शायद वो सामने लगा हुआ बोर्ड भाई वहाँ पे है। अपने को डेफ भी डालना है गाड़ी में, और साइड के शीशे टूटे हुए हैं अपनी गाड़ी के भाई। अब की बार चंडीगढ़ में गाड़ी में चोरी हो गई थी, इसलिए भाई अपने को वो भी काम ज़रूरी है, क्योंकि वो उसके जो शीशे के रबड़ है ना भाई, वो रबड़ मिलते नहीं है कहीं पे, वो यहीं पे मिलेंगे भाई, और यहाँ पे होती थी भाई, लेकिन नज़र नहीं आ रही है भाई। ये तो वही काम हो गया, डेफ डेफ मिली है भाई, और जो सामान अपने को लेना था वो नहीं मिला है भाई। ये JRD मोटर्स है भाई नागौर में, मतलब भाई इनके पास सामान ही नहीं है, ये गाड़ी निकालते क्यों और शोरूम क्यों खोलते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम भाई रखा है। इनके पास सब कुछ अवेलेबल है, इन है भी नहीं, डेफ के टैंक के बैठे यार, ये देखो वो रखे हैं और कुछ नहीं इनके पास, मतलब ये देखो भाई JRD ट्रक्स है कोई, नागौर में है भाई। जैसे ही नागौर से आप पार करोगे बाईपास, जोधपुर रोड पे चलोगे 1 से 1.5 किलोमीटर आगे चलोगे भाई, तो वहाँ पे है ये JRD मोटर्स इनके पास भाई। अबे भाई ये क्या लगा रखा है बुलेरो के पीछे, ये हो गया कांड। ये देखो भाई नॉक्स वाली बत्ती आ गई, हमने डेफ डलवाया था भाई, अभी देखो 100% दिखा रहे हैं ना, अभी डलवाया भाई एजेंसी में से, एजेंसी में से, लेकिन फिर भी भाई देखो नॉक्स वाली बत्ती आ गई। ये भाई अभी है ना सर्विस करवाने के बाद है ना हर बार आ जाती है, जब भी मैं डेफ डलवाता हूँ ना गाड़ी में, कंपनी से डलवाता हूँ भाई डेफ, ऐसा भी नहीं है कहीं बाहर से डलवाता हूँ, कंपनी से डेफ डलवाता हूँ तो भी भाई ये बत्ती आ जाती है नॉक्स वाली हर बार। अभी इसको एक बार देखते हैं भाई, क्लियर होगी तो, वरना फिर क्या कर सकते हैं, एजेंसी में ही लेके जाएंगे भाई, क्योंकि और तो कोई समाधान है ही नहीं भाई इसका। और थोड़ी पी लेते हैं भाई चाय, नज़दीक में होटल है, और साथ में इसको करेंगे भाई क्लियर, क्योंकि ये जब तक ये बत्ती रहेगी ना भाई, तब तक अपने को परेशानी ही परेशानी रहेगी भाई। ये बत्ती जब भी भाई हर बार आ जाती, ये देखो भाई इसको देख सकते हैं क्लियर भाई, हो गई तो अभी ये बटन दबाना पड़ेगा भाई, तब चले सर होगा, और करीबन 1 घंटे तक चलेगी भाई ये, अभी देखना आप आवर रेस होने लग जाएगी गाड़ी धीरे धीरे। देखो भाई RPM चढ़ गया, देखो भाई RPM देखो भाई कितने पे चला गया, अभी कम से लगेगा 1 घंटा, तब तक हम क्या करें, चलते हैं भाई और तो कुछ नहीं करते। मेरे को लगता है भाई ये बत्ती नहीं भागने वाली है, अभी भाई एजेंसी में लेके ही जाना पड़ेगा गाड़ी को, तभी ठीक होगा भाई। तो जैसे ही हम जोधपुर पार करेंगे ना भाई, तो बाईपास पार होते ही जोधपुर का लेफ्ट साइड में एजेंसी है, वहाँ पे लगवाते हैं भाई लेफ्ट ऑफ, क्योंकि उनको बोलते भी है भाई, भी उनको बोलेंगे भाई भी जब भी डेफ डालते हैं ना उसी टाइम ये बत्ती आ जाती है भाई। डेफ डालने के बाद गाड़ी 100 या 50 किलोमीटर चलती है भाई, उसके बाद ये बत्ती आके रुक जाती है भाई, तो टाइम का माल भरा होता है ना भाई, तब दिक्कत आती है, क्योंकि अभी गाड़ी डेफ नहीं लिखा रही, डेफ नहीं ले रही है गाड़ी, अभी डेफ नहीं ले रही है तो भाई जो गाड़ी खिंचाई कम कर देगी तो भाई 1 घंटा खराब करने के बाद भी भाई बत्ती नहीं गई है, ये लाइट भाई जल रही है अभी तक है। और अभी गाड़ी को शोरूम में लेके जाना पड़ेगा भाई, और जैसे ही हम जोधपुर बाईपास पार करेंगे तो मेन हाईवे पे ही शोरूम है भाई, इधर उधर नहीं जाना है, और टाइम भी नहीं लगेगा भाई इसमें, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, 5 मिनट का काम है सिर्फ,
लेकिन ये जब भी डेफ डालते हैं ना भाई, तो ये हर बार आ जाती है बत्ती। तो अभी बात करेंगे उनसे, एजेंसी वालों से भी, भाई क्यों आती है, इसका कुछ ना कुछ तो रीज़न हो, इसका समाधान करो यार। ऐसे तो अगर ये आएगी डेफ वाली बत्ती तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो करते हैं एक बार जोधपुर बाईपास पार भाई, फिर इसको दिखाना पड़ेगा गाड़ी को भाई शोरूम में। टारप देखो कितनी मस्त बांध रखी है भाई, पीछे से देखो एक बार, कहीं से भी भाई टारप नहीं उड़ रही है, बहुत ही करिए टारप।